हे व्हाट्सअप गाइस, तो आज मैं आप लोग कहने पर एक बार फिर से डरावना गेम खेल रहा हूँ। देख लीजिए, जो गोस्ट है वो बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है। कंट्रोल। तो गाइस, अभी मुझे इस गेम में एक पार्क में रेस्क्यू करना है और बहुत ही खतरनाक गेम होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, मुझे लगता है इस पलंग के नीचे छुपना है, क्योंकि देख रहे हैं जो भूतौना है वो दरवाजा खटखटा रहा। ये देखिए गाइस, गधा चधा भूत आ चुका है हमारा अंदर। एक सेकेंड, ये तो बाबा है गाइस। मुझे ऐसे देख कर लग रहा है ये तो बुढ़ा है कोई। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं यहाँ क्या करने आया है। मुझे बहुत तेजी डर लग रहा है। चल मैं निकल यहाँ से, चल चल निकल, बाद में आना, मुझे भी अभी निकलना है यहाँ से। ओ ये तो चला गया है एक नंबर। तो चलिए पलंग से बाहर निकल जाते हैं। और गाइस, गेट खोलने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर की ढूंढनी होगी। तो सबसे पहले चलिए की ढूंढ लेते हैं, वो की यहीं कहीं होनी चाहिए। लॉक्ड है, लॉक्ड। तो चलिए की ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे नहीं, एक यहाँ पे गैरेज था शायद, वहाँ। ओ ये रही की। तो गाइस फाइनली हमें की भी मिल चुकी है। तो चलिए की को हम उठा लेते हैं और अब शायद ये दरवाज़ा खुल जाएगा। चल बेटा खुल। ओ तो मुझे चाबी ऐसे फिट करना पड़ेगा। तो ये गाइस हमारा खुल चुका। अरे बाप रे, ये तो बहुत ख़तरनाक पार्क है गाइस। यहाँ तो बहुत कोहरा हो रहा है, देख रहे हैं धुआं वुआ बहुत है। तो अब देखते हैं हमारे साथ यहाँ क्या होने वाला है। इसके गाइस आप हेडफोन लगा के सुनिएगा, बहुत ही हॉरर गेम है ये। इसके साउंड ग्राफिक जो है वो एक नंबर के। तो लगता है ये क्या है गाइस, ये ट्रेन की टिकट है, ट्रेन टिकट। तो मुझे गाइस अभी जाके ट्रेन को चलाना होगा। चलिए चल। अरे गाइस ये देखिए जा रहा है, यही हमारा गधा चधा भूत जिससे आज हमें रेस्क्यू करना है। और यहाँ और भी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती गाइस, उसके बारे में भी आप लोग देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले मुझे टिकट कार्ड मिल गया, तो चल के इस ट्रेन को चलाते हैं। ट्रेन यहीं कहीं होनी चाहिए, ये मुझे एरो दिखा रहा है। तो हाँ वो रहा ट्रेन का। तो मैं ट्रेन को चलाऊँ कैसे, एक सेकेंड, ये लाल लाल बत्ती जल तो रही है। मुझे लगता है यहीं जाना है और ट्रेन की टिकट को लगा देना है। चलिए ट्रेन की टिकट को लगा देते हैं और हमारी ट्रेन चालू हो चुकी है। चलो ट्रेन, वाट एक नंबर। अरे ये क्या हो गया, ये तो घुस गई नीचे। और यहाँ पे पटरा वगैरह भी रखा है, तो मुझे अब लगता है पटरा वगैरह उठाना है। तो ठीक है गाइस, हमने ट्रेन को चला दिया है और हमारा इंतजाम हो गया। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले पटरा को उठा लेते हैं। पता नहीं हमें पटरा का क्या काम होगा यहाँ। तो ये हमारा पटरा, इसे उठा लेते हैं एक नंबर, मारने का काम ही आएगा। भूत को मारेंगे तीन चार पटरा जल्दी जल्दी। और गाइस आपको इसकी ग्राफिक्स कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ चिल्लर विल्लर बहुत सारी पड़ी है। और ये क्या है, यहाँ भी एक रूम है गाइस। चलिए अंदर चलते हैं। अरे यार यहाँ तो लॉक लगा हुआ है, तो इसमें मुझे अभी सबसे पहले कोड ढूंढना होगा गाइस। आई डोंट नो कोड, तो मेरे पास अभी कोड नहीं है, मुझे सबसे पहले कोड ढूंढना होगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले कोड को ढूंढ लेते हैं। एक सेकंड, पहले मैं चल के इस पटरा को लगाता हूँ। इसको कहाँ पर लगाना है, इसको ज़रूर मुझे कहीं ब्रिज वगैरह में लगाना होगा। तो देखते हैं यहाँ कहीं अगल बगल ब्रिज वगैरह ज़रूर होगा गाइस। देख सकते हैं यहाँ बहुत ही ख़तरनाक है, और बुढ़ा यहीं कहीं घूमता भी होगा। यहाँ क्या है, यहाँ देख लेते हो गाइस, सब खचाड़ा हो चुका है गाइस, सब इसने ख़त्म कर दिया है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले पुल को ढूंढ लेते हैं और इस पटरे को सही सलामत वहीं पर लगा देते हैं, क्योंकि जब हम पटरे को लगाएंगे तभी हमें आगे कमीशन पता चलेगा क्या है। वो पुल यहीं कहीं होना चाहिए गाइस, और वो गधा चधा तो कहीं नहीं दिख रहा है, बुढ़ौना नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही हरामी है, सामने इसे आ जाता है एकदम डरवा देता है। अभी खैर मेरे सामने आया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है बहुत ख़तरनाक सामने आता है। चलिए इस पटरे को यहीं पर लगाना है। ये हमने इसे लगा दिया और हमें यहाँ कुछ मिला है। वो हमें यहाँ एक बॉटल मिली है, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पे ख़तरनाक गेम प्ले होने वाला है, क्योंकि यहाँ सब अटक जाते हैं इस गेम में यहाँ पे करना क्या है। तो मैं आपको ये भी बता दूँ, यदि आप लोग इस गेम को खेलते हैं तो आपको यहाँ ये करना है कि आपको सबसे पहले जाना है घोड़ा वाले झूले के पास, और वहीं से आपको कोड मिलेगा इस बॉटल के ज़रिए। तो चलिए हम सबसे पहले झूला वाली जगह ढूंढते हैं, जहाँ घोड़ा गधा होंगे चार पाँच ठो, जहाँ हम बचपन में झूला भी झूला करते थे। और यहाँ हमारा गेम सेफ हो रहा, तो मैं गेम भी सेव कर लेता हूँ एक नंबर। गेम मेरा सेफ रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत ना रहेगी। और ये हमने गेम सेव कर लिया एक नंबर, प्लीज़ चेक इंटरनेट कनेक्शन, उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरा गेम सेफ हो चुका है एक नंबर। फाइनली गाइस हमारा गेम सेफ हो गया। अब चलिए यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले ढूंढते हैं उस घोड़ा वाले झूले को, क्योंकि वहीं से मुझे कोड मिलेगा जिसे मुझे वहाँ जो वहाँ पे लॉकर लगा है उस लॉकर में डालना है और मेरा गेट खुल जाएगा। कहाँ हैं कहाँ हैं कहाँ हैं, और ये बगल में ही था, बगल में ही था, बगल में ही था। तो गाइस सबसे पहले हमको यहीं जाना है
देख लूँ मैं मिस्टर मीट उट तो कहीं नहीं आ रहा है। बहुत खतरनाक गाइस बुढ़ाऊँगा, अचानक से डरवाता है। तो गाइस हमें इस बॉटल को यहीं पर ले जाके होल्ड कर देना। ये देखिए हमें कोड मिल गया 3578। वो गाइस अचानक चल रहा, देखिए बुढ़ाऊँगा भी सामने खड़ा था, नहीं अब मुझे पकड़ न लेंगे। हमें कोड मिल चुका है गाइस खतरनाक से, ये झूला जल्दी बंद हो तो हम यहाँ से निकले जल्दी से। बंद हो जो भाई, बंद हो बंद हो बंद हो। अरे वो देखिए मिस्टर मीट खड़ा था, उसी मेरी फट रही है बता रहा हूँ, बहुत तेज़ी से फट रही है। तो चलिए गाइस तुरंत यहाँ से भाग लेते हैं, एक मिनट में यहाँ से निकल हूँ। नो आई नो द कोड, यस हमें कोड पता चल चुका है। अब चलते हैं फटाक से कोड डालते हैं और उस कमरे के अंदर देखते हैं वहाँ क्या होने वाला है। वहाँ तो और ख़तरनाक लेवल होने वाला है गाइस। लेकिन एक सेकंड, मिस्टर मीट तो यहाँ से गायब हो गए, मतलब जो हमारे गधा चुधा बुढ़ाऊना थे वो गायब हो गए। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, सबसे पहले चलते हैं वहीं कोड डाल देते हैं और हमारा ये गेट खुल जाए। अब यहाँ से हमारा बहुत ही ख़तरनाक गेम प्ले होने वाला है गाइस, तो आप लोग मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इतने डरावने ग्राफिक्स हमारे सामने आने वाले हैं और इतने पजल्स हमके सॉल्व करने पड़ेंगे कि हमारा दिमाग अभी ख़राब होने वाला है, इतने टास्क यहाँ होने वाले हैं। तो चलिए फटाक से अंदर ही चलते हैं, देख लूँ मैं मिस्टर मीट टूट तो नहीं आ रहा। तो हमारा लॉक खुल क्यों नहीं रहा है, ये खुल क्यों नहीं रहा है यार, इसमें तो कोड डालने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। एंटर द कोड फ्रॉम द, ओ लगता है यदि गाइस हमने कोड जब देख लिया है ना तो हमारा गेट अपने आप खुल जाएगा। ये देखिए हम सेकंड मिशन में पहुंच चुके हैं और हमारा बहुत ही ख़तरनाक गेम प्ले होने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई फिर भी पार करेगा। ये देखिए अब यहाँ से ख़तरनाक गेम प्ले होने वाला है, मिस्टर गोस्ट यहीं कहीं छुपा होगा गाइस। वो देखिए सामने से आ रहा गाइस, वो आ रहा सामने से। चलिए सबसे पहले घुस जाते हैं इस रूम में, एक नंबर। और यहाँ तो छुपने की जगह ही नहीं है यार, ये क्या हो गया मेरे साथ, अब तो मैं पक्का फंस जाऊँगा लग रहा। बच जाऊँ, ये वाला गेट भी नहीं खुल रहा गाइस। एक सेकंड गाइस, लगता है मैं बच जाऊँगा यार, लगता है वो वापस चला गया है। अगर वो वापस चला गया तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो मैं जाऊँगा तो मुझे इतनी ख़तरनाक तरीके से पकड़े गाइस क्या बताऊँ। भोसड़ी वाला बहुत तेज डरवा देता है गाइस। और यहाँ लाइट देख रहे हैं झिमझिमाहट हो रही है इसमें भी, ये भी मेरी आँख फटवा रही है गाइस। इस ग्राफिक्स के साउंड मुझे इतने डरवा रहे हैं क्या बताऊँ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं शायद यहाँ कहीं से मुझे चाबी वगैरह लेना है। वो देखिए चिल्लर पड़ी, चिल्लर मैं नहीं लूँगा अभी। तो सबसे पहले गाइस चलते हैं और यहाँ छुप जाते हैं सामने जाके, सबसे पहले सामने जाके छुप जाते हैं, क्योंकि वो जब शोर के चाबी भी ले लेते हैं एक नंबर। अब मिस्टर बीस्ट को पता चल, मिस्टर मीट को पता चल गया गाइस, वो तुरंत देखिएगा भागता भागता यहीं आएगा, वो पक्का यहीं आएगा गाइस। देखिएगा आप, वो किसी भी समय आए लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि जब भी उसे शोर की आवाज़ सुनाई देगी वो तुरंत ही भागा चला आएगा मेरे पास, और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे बार बार पकड़े। और यहाँ की लाइट मुझे और ज़्यादा डरा रही है। तो गाइस अभी मुझे यहाँ से की मिल चुकी है, चलिए ये वाला गेट खोलते हैं, यहाँ से चलते हैं। ये रहा गाइस गेट, यहीं हमें एंटर करना है, एक नंबर, कुछ ना हो। और ये गाइस हमारा गेट खुल गया, और ये गाइस एक नंबर, हम तीसरे लेवल पहुंच चुके हैं गाइस। ये वाला टास्क हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, इस पजल को सॉल्व करने में बहुत ही ख़तरनाक गाइस डर लगता है क्या बताऊँ। अरे बाप रे, देख सकते हैं गाइस बहुत ही ख़तरनाक है ये बुढ़ाऊना। अरे भागो भैया। तो चलिए गाइस अब हमें यहाँ से भागना है, जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ यहाँ से निकल चुके हैं। और ये देखिए अब तो आओ ख़तरनाक चीज़ मेरे सामने आने वाली, नीचे झुको बेटू, झुको, चलो, जितना तेज़ भाग सकता हूँ उतना तेज। अरे ये क्या है यार, यहाँ ड्रम वगैरह यहीं रखना था क्या। चलिए बगल से मुड़ के चलते हैं, एक नंबर, भागो, मैं कर सकता हूँ, एक नंबर, झुको। अब मैं किस गेट से जाऊँ, लेफ्ट या राइट। अरे किसी से घुस जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे बचना बस है। यहाँ की रेड लाइट मुझे और ज़्यादा डरा रही, चिल्लर ले लो, नहीं चिल्लर का काम ही नहीं है, अपना भाई चिल्लर नहीं लेता, नोट लेगा। चलो खोलो जल्दी खोलो, एक नंबर बस हो गया गाइस। लेकिन मैं ये आ कहाँ गया, वो गाइस कितना डरावना रूम है यार। लेकिन अब मुझे यहाँ करना क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो सब गेट ही टर्न बैक। अब तो मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है गाइस, पीछे मुड़ के देखूँ क्या है, कोई बहुत ही गंदी चीज़ कहीं पीछे ना हो। तो चलो तुम्हारा भाई एक बार पीछे धीमे मुड़ के देख ही लेता क्या। ओह यहाँ तो गेट है गाइस। अरे एक नंबर यार, मैं यूँ ही डर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इस वाले रूम, फिर वहीं मैं आ गया। अब यहाँ क्या लिखा है लाल, अट्रैक्शन रिक्वायरमेंट नॉट हायर। अब मुझे यहाँ क्या करना है गाइस, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ये अट्रैक्शन रिक्वायरमेंट नोट है, वो एक सेकंड, ये रहा गेट गाइस, मुझे गेट मिल चुका है। ये देखिए मैं और ख़तरनाक जगह में जाता जा रहा हूँ। यहाँ लिखा क्या है, मर्डर इज़ द लास्ट चांस, बहुत ही डरावना है गाइस। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तुरंत चलते हैं कहीं और।
ये फिर हम वही जगह में आ रहे हैं गाइस, लगता है मैं उसी जगह पे भटकता जा रहा हूँ, मुझे ऊपर देखना है क्या। ये देखिए, और हॉरर होता जा रहा है। हाँ, तो गाइस लगता है मैं इसके जाल, बहुत खतरनाक जाल में फंस गया हूँ। अब मैं निकलूँ कैसे, मुझे रास्ता कहाँ से मिलेगा यहाँ। वो गाइस अब तो मेरा पूरा रास्ता ही बंद हो चुका है। एक सेकेंड, ये रहा गाइस रास्ता, एक नंबर में रास्ता मिल चुका है। लेकिन ये कितना खूफिया रास्ता है गाइस, देखिए ना। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम चलते हैं तुरंत भाग के, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है हमें। और मुझे इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा डरवा भी रहे हैं। एक नंबर, फिर एक गेट मिला। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं लगता है उसी जगह पर गाइस घूमता जा रहा हूँ। मैं बहुत खतरनाक भूल भुलैया में फंस गया हूँ। एग्जिट इज बिहाइंड, फिर पीछे आ गया गेट। ये कब तक ऐसे चलता रहेगा, कब तक मैं किस किस गेट में घुसूंगा। बहुत ही एक्टिविटी है मेरे साथ, बहुत ख़राब हो रहा गाइस। फिर आ गया अट्रैक्शन रिक्वायरमेंट नोट हायर। चलिए फिर से पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर ये गेट आ गया। लगता है मैं उसी जगह पे गाइस घूमता जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं उसी जगह पे घूम रहा हूँ। ये मेरे साथ लास्ट चांस, ये देखिए मर्डर इज द लास्ट चांस, फिर से वही आ गया गाइस। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं आगे ही जा रहा हूँ, मैं पीछे उसी जगह पे घूम नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी पता चल गया। तो अब मुझे यहाँ क्या करना है, अब क्या करना है। अरे ये रहा हमारा गेट यार, मैं भूल जाता हूँ यहाँ। यहाँ उस समय गाइस जब मैं आया था तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा था। हाँ बस दिख रहा था। देखिए यहाँ सब शांत हो चुका है, लाइट वगैरह चल गई है। चलिए यहाँ से अंदर घुसते हैं। एक नंबर, अब एग्जिट इज़ बिहाइंड, डू नॉट लुक बैक। गाइस मुझे पीछे नहीं देखना है। वो मैंने पीछे देख लिया। अरे यार फिर से शुरू से गेम हो जाएगा गाइस, क्योंकि मुझे पीछे नहीं देखना था, मुझे ऐसे पीछे 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 जाना था। मुझे फिर से आ गया, तो चलिए फिर से इस गेट में, क्योंकि फिर से मेरा गेम शुरू से होने वाला है। मतलब थोड़ा ही सब ज़्यादा पीछे से नहीं होने वाला है, थोड़ा ही साल का मैं फिर से उसी जगह हम पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं फिर से उसी जगह हम पहुँच गया, और अब मुझे अभी गलती नहीं करना है, अब मुझे तुरंत पार ही कर देना है गाइस इस वाले गेम। तो अब मैं चला आया रूम में, अब यहीं पर मेरे साथ होने वाला है। ये देखिए एग्जिट बिहाइंड, डू नॉट लुक। तो गाइस मुझे पीछे नहीं देखना है इस बार, मुझे ऐसे चलते जाना है पीछे पीछे इस तरह। ये देखिए गाइस हमारा रास्ता बनता गया, बहुत ही खतरनाक बदला। तो हम आगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन। ये गाइस अब ये राउंड मेरे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अगर इसमें मैं एक मिस्टेक करता हूँ तो पूरा गेम वापस से शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं किस गेट में जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो एक सेकंड, सबसे पहले मैं मर्डर में जाता हूँ, मर्डर में भी ना जाऊँ, सबसे पहले मैं डेथ में जाता हूँ गाइस। डेथ में गया तो मैं, और अब हमें करना है गिव अप, तो मैं डिफिएट में जाता हूँ गाइस। ये मुझे ऑप्शन भी दे रहा है, बहुत ही खतरनाक पाजल। अभी तक तो मैं सही हूँ, क्लोज टू डेथ, तो मैं रिवर्थ में जाता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे इसका अपोजिट करना होगा। और यदि मैं एक भी मिस्टेक करता हूँ, अभी तक तो मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, लास्ट चांस। तो इस बार गलत, अगर मैं कोई गलत गेट में घुसा तो वापस से पूरा गेम शुरू से हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मर्डर में नहीं गया, मर्डर में जाता हूँ। और फाइनली गाइस हमारा गेम पार हो गया, एक नंबर गाइस। तो गाइस आपके वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।